पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे, पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे, वो एक बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है, हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पर आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है, इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है, इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है, उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है, तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अदानी, नंबर थ्री अमित शाह, एक्चुअली गलत है, नंबर वन अदानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसा घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है, और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए